नमस्ते प्रणाम, मैं बसंत बहार ब्लॉग और मैं अभी सीतामढ़ी में हूँ और सीतामढ़ी से मैं बरगनिया आया हूँ और ये बरगनिया का कुछ व्यू है, आप देख सकते हो। ये बरगनिया का कुछ व्यू है फ्रेंड, और मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ और मैं यहाँ से भी जाऊँगा गौर जो कि नेपाल का बॉर्डर पड़ता है फ्रेंड। दोस्तों सीतामढ़ी से बरगनिया 30 किलोमीटर दूर है, आप सीतामढ़ी से आना चाहते हो तो 30 किलोमीटर दूर है बरगनिया, और बरगनिया से चलेंगे गौर भी नेपाल घुमाने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, चलिए अभी तो वीडियो को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सुशील बैठ गया है और इसी में हम चलेंगे, अभी इसी में बैठ के चलना है बॉर्डर, गौर बॉर्डर अभी इसी में जाएंगे। और ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा है यहाँ का, यहाँ पे ज़्यादा घोड़ा चलता है, ऑटो भी चलता है लेकिन ज़्यादा आदमी घोड़ा में बैठ के जाना पसंद करता है। तो आप देख सकते हो सुशील बैठ गया, अभी हम भी बैठेंगे घोड़ा में। तो दोस्तों हम बैठ गए हैं घोड़ा में और आप देख सकते हो बहुत ही इंजॉय आने वाला है, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। सुशील क्या बोल रहा है सुनिए, कुछ बोल रहा है ही। अभी जा रहे हैं हम लोग नेपाल घूमने, और सवारी में घोड़ा पे बैठ गए हैं, बहुत दिन के बाद पहली बार बैठे हैं शौक से, बोले बहुत टेम्पो में घूमे इस बार घोड़े सवारी करेंगे, इसीलिए शौक से बैठे हैं। तो फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं अभी नेपाल घूमने के लिए, बहुत ही इंजॉय आने वाला है वीडियो में, और हम लोग को भी बहुत खुशी है कि हम लोग नेपाल जा रहे हैं। तो फ्रेंड वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों आप पीछे देख सकते हो यही नेपाल का बॉर्डर है, नेपाल इंडिया का बॉर्डर। तो आप ये अभी जाएंगे अंदर में और आपको दिखाएंगे नेपाल इंडिया का बॉर्डर, क्यों यही नेपाल का बॉर्डर है ना। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं दिखाएंगे आपको फ्रेंड, तो बिधरे से ही चल रहे हैं और वहाँ पे सुशील खड़ा है, वो देख सकते हो सुशील वहाँ पे है। तो दोस्तों आगे वीडियो बनाने के लिए नहीं देता है पुलिस लोग, तो हम यहीं से आपको दिखा दे, आप देख सकते हो वहाँ पे बनाने के लिए नहीं देगा। देखिए गाड़ी जहाँ जो पार होता है सब चेक करके पार होता है, अभी हम जाएंगे मेरा भी चेक करके पार होगा, तो मोबाइल हमको जेब में रखना पड़ेगा, तो हम यहीं से आपको दिखाते रहे। वो आप देख सकते हो ऊपर में कुछ बोर्ड है और आप देख सकते हो। चलिए तो हम यहीं तक आपको दिखा सकते हैं, आगे फिर अंदर जाके आपको दिखाते हैं नेपाल का सीन। चलिए तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, मोबाइल को जेब में रख देते हैं। दोस्तों बॉर्डर पार करने के लिए नागरिकता पेपर होना जरूरी है, मतलब नागरिकता आपकी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको बॉर्डर में पास किया जाता है और सामान का बढ़िया से चेक करके आपको अंदर लिया जाता है और फिर आते समय वही प्रोसीजर। तो यही है गौर बॉर्डर, सामने में सबसे पहले एक मंदिर पड़ेगा और फिर सामने में है गौर बॉर्डर के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे देख सकते हो सुशील भी आ गया है। तो हम बॉर्डर पार कर गए हैं, बॉर्डर में वेरिफिकेशन होता है, सब सामान का चेक होता है और आधार कार्ड भी लिया जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा सीन है इधर का, अभी हम नेपाल घुस गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा है, अभी हम इंडिया से नेपाल आ चुके हैं। सो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा नज़ारा है इधर का दोस्तों, अभी चल रहे हैं अंदर और अंदर से घूम के फिर आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा।
फ्रेंड ये सामने वाला जो घर है ये नेपाल में नेपाल का बैंक है। यहाँ पे आप इंडिया का करेंसी आप चेंज कर सकते हो और नेपाल का करेंसी ले सकते हो। मतलब नेपाल घुसने के बाद ही मतलब फर्स्ट में आपको यही मिलेगा, पहले पुल मिलेगा उसके बाद आके फिर आपको नेपाल का बैंक मिलेगा। यहाँ पे आप इंडियन रुपीस चेंज कन्वर्ट करके फिर नेपाल का पैसा आप ले सकते हो और फिर आप अपना जो काम है कुछ भी लेना है या फिर कुछ भी खरीदना है तो आगे चल देख सकते हो। सामने में वहाँ पे जो सामने दिख रहा है वहाँ पे आप करेंसी चेंज कर सकते हो। नेपाल का बैंक है, यहाँ पे जो इंडिया वाला होता है वो नेपाल का पैसा यहाँ पे चेंज कर लेता है। और ये मैं इसका मैंने वो सिस्टम है, गेट है कुछ और यहीं से अंदर आना जाना जाता है। ये यहाँ पे थाना है शुरू में ही नेपाल का थाना। तो दोस्तों हम अभी नेपाल से जा रहे हैं सीतामढ़ी। तो शराब पीकर बॉर्डर में जाना मना है, मतलब जाने देता है दोस्तों, लेकिन एक चीज है यहाँ पर बॉर्डर वाले का कहना है कि पियो तो हिलो नहीं, अगर यदि पी के हिलिएगा तो आपको फिर बॉर्डर ही के अंदर रहना पड़ेगा और नेपाले में रख लेगा आपको, नाश्ता पानी भोजन सब दिला देगा। अब पी के हिलो नहीं, सीधा पार हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया जा सकते हो। तो देख सकते हो आप अभी नेपाल में घूम रहे हो और बॉर्डर का हम तो नहीं दिखा पाए पूरा अच्छा से क्योंकि वहाँ तो बहुत सारा ये रहता है। तो अभी हम नेपाल घूम रहे हैं, पैदल जा रहे हैं क्योंकि हमको मालूम नहीं है कहाँ जाना है नहीं जाना है, तो हम पैदल घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या है, कुछ शॉपिंग वगैरह सोच रहे हैं कि करेंगे तो देखते हैं क्या है इधर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।